नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कल से एक बहुत बड़ी खबर चल रही कि 9000 से ज़्यादा DSSSB के अंदर, दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी जो 9000 के लगभग वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं। इसके बाद मेरे पास कल बहुत सारे साथियों के मैसेजेज आए थे, इसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी। और इसके बाद फिर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो, क्योंकि YouTube पे ये लगाइए बहुत सारे साथियों ने ऐसी वीडियोस बनाई कि वैकेंसीज आ चुकी हैं। और इसके बाद मुझे लगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेज आए कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने वैकेंसीज का बताया, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये वैकेंसीज हैं या नहीं है। तो साथियों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अशोक अग्रवाल सर से बात करी है इसके बारे में। तो अशोक अग्रवाल सर ने क्या कहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने सर से बात करी, सर से टाइम लिया, उसके बाद जो मैंने रिकॉर्डिंग है यहाँ पे डाली हुई है, आप वो देख लीजिए कि इन वैकेंसीज की सच्चाई क्या है। जो 9000 के लगभग वैकेंसीज हैं, इनकी सच्चाई क्या है। हालांकि जो वैकेंसीज हैं वो आएंगी ज़रूर, लेकिन ये नहीं कि अभी वैकेंसीज आ गई हैं। और इसके बाद साथियों, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कि आपको पता है बहुत सारे लोग आपको लाखों रुपए आपसे ले रहे हैं, तो हम ओनली 5 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप लोगों की प्रिपरेशन, वो भी इसलिए कि एक्सपेंस होता है, हम आपसे कुछ नहीं कमाना चाहते। ओनली 5 रुपीज़ पर डे के हिसाब से हम लोग आपको डेली करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK, साइको, EVS, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, और इसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे DSSSB की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग लाखों रुपए कहीं ना दें, ओनली 5 रुपीज़ के हिसाब से हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप वीडियो सुने, जो हमने बात करी है, ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो सर से जो बात हुई है आप सुने। और इसके बाद मैं उन साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिन्होंने भी ऐसी वीडियो बनाई है, कि प्लीज़ आप ये डिलीट कर दीजिए, बच्चों को प्लीज़ गुमराह ना करें। अब ऐसे नहीं कि आप नीचे कमेंट करके डाल दें कि नहीं ये वीडियो फेक है, ऐसा नहीं है, ऐसा होने वाला है, आप ऐसे गुमराह मत करें बच्चों को। बच्चे वीडियो को देखते हैं, ये नहीं कि कमेंट पढ़ते नीचे जाके जल्दी से, ठीक है। अगर 1000 लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं तो 2-4-5-10 बंदे ही कमेंट करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन साथियों ने वीडियो बनाई है वो डिलीट कर दें प्लीज़। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बोलो सर। वो कल एक वीडियो वायरल हो रही थी कि वैकेंसीज आ गई है DSSSB के अंदर 9000 से ज्यादा, लेकिन आप उनके बारे में एक बार क्लियर कर देंगे कि वो क्या है? देखिए, मैंने उसको ध्यान से देखा है, वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ऑर्डर है, वो DSSB का कोई ऑर्डर नहीं है। और उस ऑर्डर में उन्होंने जो 2015 में जो 8000 कुछ पोस्टेज जो थी वो जो क्रिएट करी थी, उसको वो परमानेंट स्टेटस दे दिया। ये इनका क्या होता है, फाइनेंशियल पर्पस के लिए इस तरीके के ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। और इससे कोई ये नहीं है कि कौन किस पोस्ट पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे भी इसका लेना देना नहीं है। और ये कोई नई पोस्टें कोई भी नहीं है, ये पोस्टें वो है जो ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने DSSB को जो है ऑलरेडी भेजी हुई है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि ये नई पोस्टें हैं, तो वो एक तरीके से गुमराह कर रहा है लोगों को, उसको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर, नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग वाले कुछ ऐसे लोग वो बोल रहे हैं कि वैकेंसी आ गई, तो फिर मुझे लगा कि एक बार सर से मैं बात करूं। और मेरे ख्याल से नहीं, वो अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नई वैकेंसी है, तो वो इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। और हमारे जो कैंडिडेट्स वगैरह हैं उनको ये बात समझनी चाहिए।